हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स के बारे में। मैंने जितने फीचर्स बताए हैं वो सारे यूनिक हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने ज्यादा फीचर्स कवर नहीं करे, बट जितने भी कवर करें वो काफी यूनिक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए ना तो मेक श्योर करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। अगर ये सकल पहली बार देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे काफी गर्मी लग रही है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए अब हम वीडियो को शुरू करें। ये है सैमसंग M01, ठीक है, बॉक्स दिख रहा है आपको। हाँ, तो इसके अंदर हम करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो देखते रहिएगा। तो इसकी जो पहली ट्रिक्स है या पहला जो फीचर है उसके बारे में बात कर लें, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अच्छा भी लगा। अब वो है क्या, वो है हाइड ऐप्स के बारे में। उसका एक शॉर्टकट भी है, आपको इस प्रकार से अपने डिस्प्ले को पिंच आउट करना है और आपको होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा हाइड ऐप्स, ठीक है। आपको हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आप चाहें तो कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके उसको इस प्रकार से टिक करके हाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाइड करने के बाद आप यहाँ से इनको डन करेंगे तो ये सारे एप्लीकेशन आपके हाइड हो चुके हैं। यहाँ सबसे आप यहाँ देखोगे तो कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो नहीं होता, लेकिन अगर इनको यूज़ करना चाहें आप तो सिंपल सा जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड किया है सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ पे आपको नाम टाइप कर देना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे अगर आपका फेसबुक हो तो आप यहाँ पर फेसबुक करोगे तो आपका फेसबुक आ जाएगा। जो भी जितना एप्लीकेशन आपको हाइड किया है वो आप यहाँ से उसको नाम से सर्च करेंगे वो आ जाएगा, ओके। अब इनको अगर हम अनहाइड करें तो उसको हम अनहाइड करने के लिए आपको सिंपल सा वही मेथड अपनाना है, पिंच आउट करना है, होम स्क्रीन के अंदर जाना है और हाइड ऐप्स के अंदर जाना है अपना, और यहाँ पे आप इनको ऐसे करके माइनस कर दें, ओके। तो ये आपके अनहाइड हो जाएंगे, इनके आइकॉन्स आपको शो होने लगेंगे। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा, आई होप कि ये फीचर्स आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। इस फोन के अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का भी फीचर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए हमको जाना है सेटिंग में, ठीक है। तो इस फोन के अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का भी फीचर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए हमको जाना है सेटिंग में, ठीक है। तो पहले हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन नोटिफिकेशंस का, ठीक है। इसमें आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे डू नॉट डिस्टर्ब का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन मैं आपके लिए कर दूँ। तो इसका जो मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब का, पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ। तो यहाँ से आपकी म्यूट ऑल कॉल्स हो जाएंगी, ठीक है, अलर्ट और एंड मीडिया, ठीक है, ये सब आपका म्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपके पास कोई भी कॉल आएगी तो वो म्यूट हो जाएगी, यानी कि आपके पास कॉल आएगी बट आपको उसकी रिंगटोन सुनाई नहीं देगी। तो ये है इसका फीचर, इसको हम बोलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। और डू नॉट डिस्टर्ब का यही मतलब रहता है कि हमको पता ना चले, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, ओके। तो ये रहता है डू नॉट डिस्टर्ब, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो आप इसका भी जरूर से इस्तेमाल करेंगे तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। आप इस डिवाइस के अंदर अपनी फोटो और वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में आने के बाद जैसे कि ये हमने टू डे में आज कुछ पिक्चर्स खींची हुई हैं, ठीक है, इनको हम हाइड करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको पहले एल्बम में आना है और ये दो एल्बम है यहाँ पे, एक हाइड नाम से एल्बम बना रखी मैंने और एक स्क्रीन, तो स्क्रीनशॉट से। तो मैं हाइड नाम की एल्बम को, इसमें कुछ मेरी 5 पिक्चर्स हैं, इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा हमको जाना है इस वाले बटन पे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन हाइड और अनहाइड एल्बम्स। इस पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे हम हाइड वाली एल्बम जो है उसको इस प्रकार से वो ऑन करेंगे। तो अब आप देखेंगे ना, तो ये एल्बम में शो हो रही है, ना ये पिक्चर्स में शो हो रही है, ना ये स्टोरीज में शो हो रही है, ना ये शेयर्ड में शो हो रही है। कम्प्लीटली आपकी ये एल्बम हाइड हो चुकी है और आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। इनको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सा बस यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और आपको जाना है हाइड और अनहाइड एल्बम के अंदर और इसको वापस से ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के बाद अब आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को आसानी से यूज़ में ला सकते हो, देख सकते हो। तो ये फीचर्स भी अच्छा है, इसका भी आप ज़रूर से यूज़ करें तो बेटर रहेगा। आपको अपने इस डिवाइस के अंदर बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता, ठीक है। तो इसको शो कराने के लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमको जाना है सेटिंग के अंदर। तो हम पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशंस के अंदर। नोटिफिकेशंस में आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेटस बार का, ठीक है। तो आपको इस पर करना है क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शो बैटरी परसेंटेज, इसको हम इनेबल करते हैं और आप यहाँ पे देखोगे 49 आपको बैटरी परसेंटेज आपको शो होने लगी है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको यूज में ला सकते हो और अपनी बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शो नोटिफिकेशन आइकॉन का भी ऑप्शन, जो कि इनेबल है।
अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन सारी गायब रह जाएंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन टॉप में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमको इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ भी हमको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली। अब ये क्या है कि आपके ऊपर कितनी आपकी स्टेटस बार के अंदर कितनी नोटिफिकेशन है आप ये देखना चाहते हैं, तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखोगे अभी दो नोटिफिकेशन शो हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेकंड वाले पे जो कि है थ्री मोस्ट रीसेंट, इस पर क्लिक करोगे तो तीन जो रीसेंट नोटिफिकेशन होंगी वो आपको शो होंगी, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस के आइकन ऊपर शो होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसको थ्री मोस्ट रीसेंट पे ही क्लिक करके रखें, जो कि काफ़ी बेटर है। तो आप इसका भी ज़रूर से इस्तेमाल करें, अच्छा फ्यूचर है यार। आप अपने डिवाइस के अंदर जो आपके बटन्स दिखते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं नेविगेशन बटन। इनको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको डिस्प्ले के अंदर आना है, डिस्प्ले के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेविगेशन बार का बटन, आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद अगर आपका लेफ्ट या राइट करना है आपको, तो यहाँ से आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप चाहते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर जैसे कि ये है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन जेस्चर हो जाएंगे और आपके बटन यहाँ से हाइड हो जाते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है, अच्छा फीचर है। तो इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको डिस्प्ले का जो है थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। तो ये भी फीचर आप यूज़ में लाएंगे तो आपकी डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। मैंने इसको पर्सनली इसको मैंने यूज़ किया है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। आपको अपने इस डिवाइस के अंदर पावर बटन के साथ भी कुछ कुछ छेड़खानी करने का ऑप्शन मिलता है। अब वो क्या है, आपको जाना है अपनी सिस्टम के मतलब सेटिंग के एडवांस फीचर के अंदर। ठीक है, इसमें आने के बाद तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा साइड की, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये अनेबल है, डबल प्रेस आपको डबल प्रेस करना है क्विक लॉन्च टू कैमरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके, डबल प्रेस ही करूँगा मैं इसको, सॉरी मेरे से हुआ नहीं। ओके, मैं आपको वीडियो एडिट नहीं कर रहा, बट मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपको डबल प्रेस करना है फास्ट, जैसे हम माउस करते हैं इस प्रकार से, जो आपका माउस रहता है ना, अपने माउस को हम करते हैं डबल प्रेस, ऐसे आपको ऐसे करना है। ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से हम अपने कैमरे को ओपन कर सकते हैं, ये फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ओपन ऐप नाम से काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करना चाहें अपना फेसबुक, तो अब ये हो गया हमारा फेसबुक। अगर हम डबल प्रेस करेंगे यहाँ पे तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ये मतलब एक हिसाब से देखें तो ये काफ़ी फास्ट है। ओके, तो इसका भी आप इस्तेमाल ज़रूर से कर लें। तो फिलहाल मैं इसको क्विक लॉन्च कैमरे पे ही रहने देता हूँ, जो मेरे को पर्सनली यार ये सबसे बेस्ट फीचर लगा मेरे को ये सैमसंग M01 का। तो इसको ज़रूर से इस्तेमाल में लाओ। यहाँ पे आपको एडवांस फ्यूचर के अंदर और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स और फ्यूचर देखने को मिलते हैं, इसमें हम आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन, तो इसमें हम चलते हैं। मोशन एंड जेस्चर मारने के बाद तो सबसे पहले जो आपको फीचर दिख रहा है डबल टैप टू बेक, इसको अगर आप इनेबल रखते हैं, जैसे कि मेरा ये इनेबल है, तो आपकी डिस्प्ले अगर ऑफ है तो आपको पावर बटन नहीं दबाना, आपको सिर्फ दो बार अपनी स्क्रीन पे टैप करना है बैक टू बैक इस प्रकार से, तो आपकी डिस्प्ले ओपन हो जाती है। ठीक है, आप इसको समझ गए ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेज, इसको आप समझिएगा। ये जो है आपका, जैसे कॉल आती है आपके पास ना, तो वहाँ पे आपको डिक्लाइन करने का यानी कि फ़ौरन कैंसिल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसके साथ अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आप जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपना एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आपको मैसेज सेंड करने का भी इसमें फीचर देखने को मिलता है। कॉल के जैसे हम कॉल कट करते हैं, उसको हम तुरंत बाद एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आप अपने इस फोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही साथ आप इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्रीनशॉट लेने का थोड़ा तरीका चेंज है। पहले क्या रहता था कि आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करके रखना रहता था, लेकिन नहीं, इसमें आपको एक साथ प्रेस करके छोड़ देना है। वो इस तरीके से इसमें आपको करके दिखाने वाला हूँ। ऐसे आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपके स्क्रीनशॉट खींच जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे आपको एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को क्लिक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं लॉन्ग स्क्रीन आता है, एक बार ट्राई करते हैं कितना बड़ा लॉन्ग स्क्रीनशॉट इसने कैप्चर किया है। ओके, जल्दी में हम आ जाते हैं जस्ट वन। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं लिया है, बस इससे ज़्यादा लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इतने से ही काम चलाना पड़ेगा हमको। तो ये फीचर भी ठीक ठाक ही लगा मेरे को, जब आप ज़्यादा रियलमी के मोबाइल के अंदर आप बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस फ़ोन की हम कुछ होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपनी टू फिंगर्स इस प्रकार से कुछ पिंच आउट करना है और यहाँ से आप अपने पेज लिख सकते हैं, इनको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलती है विजिट्स की एक ऑप्शन। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्टकट और विजिट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप क्लॉक का विजिट्स लगा सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर, क्रोम ब्राउज़र, जैसे कि मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ, तो मैं क्लॉक का लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको क्लॉक वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक क्लॉक सिलेक्ट करेंगे, मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप एंड ट्रैक एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये रहते हैं विजिट्स, यहाँ से अपना अलार्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ईजी है मेरे हिसाब से, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा, आप यहाँ से होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जो मेरे को खास फीचर लगा वो ये है, रोटेट टू लैंडस्केप मोड जो रहता है आपका, ये वाला रोटेट करते हैं लैंडस्केप मोड वाला, इसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये फीचर भी पसंद आया होगा। इसके बाद हम कुछ ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हिडन फीचर्स रहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने वही कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, लेकिन कुछ फीचर्स मैं आपको बेसिक भी अब बता देता हूँ। आपको यहाँ नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर जाना है, तो नोटिफिकेशन सेंटर जो रहता है आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलती हैं, आपको डार्क मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, ब्लू लाइट फिल्टर, यहाँ से आप इनको काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। डॉल्बी एटमोस का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने फ़ोन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको पावर बटन प्रेस करके नहीं रखना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने फ़ोन को आप यहाँ पे पावर ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको फ्यूचर्स वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ से मुझे कमेंट करके बता दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपसे फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।